अब तो तेरी शादी करनी है। खाला को बोला है मैंने, कोई अच्छा सा रिश्ता देखते। अम्मा ये बात की बात है, पहले इकबाल के बारे में सोचो। अगर ताहिरा भाभी ने भाई को इकबाल के बारे में सब कुछ बता दिया तो। एक तो तू इतनी जज्बाती है ना कि कोई भी फैसला बगैर सोचे समझे कर लेती है। ताहिरा को अगर सब कुछ पता चल भी गया है ना तो वो अमजद को नहीं बताएगी। उसे बोल दूंगी मैं कि अगर उसने अमजद को बोला तो वो इस घर में नहीं रहेगी, धक्के दे के निकलवा दूंगी। हाँ ये कोई हल नहीं है अम्मा, ऐसा कुछ कर सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इलाज है मेरे पास भी, तू बस कल अमजद को ऑफिस जाने दे, फिर देख तायरा की ऐसी फिरकी घुमाऊंगी ना कि दीवारों से बात करते हुए भी 10 बार सोचेगी। अम्मा जो भी करना सोच समझ कर करना, ताहिरा भाभी उम्मीद से है। हाँ हाँ पता है मुझे, मुझे मत समझा तू। जो कुछ मर्जी कर अम्मा, बस मेरी इकबाल से जान छुड़वा दे। कल वो मेरा इंतजार करेगा, मैं उसे क्या जवाब दूंगी अम्मा? अब तू कोई जवाब नहीं देगी उसको, अब तो जवाब मैं दूंगी और कल मैं तेरे साथ मिलने जाऊंगी उसको। क्या तुम वहां क्या करोगी अम्मा? वो आधा पागल है, तुम्हें देख के ना भड़क जाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ बेटी। क्या मतलब अम्मा? क्या करगी, सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से कभी गुजरती नहीं। ताहिरा, इंसान को अचानक खुशी मिल जाए ना तो उसके पांव जमीन पर नहीं लगते, और तुमने तो मुझे आज इतनी बड़ी खुशी दी है। अब हमारी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। तुम, मैं और वो। अच्छा ये बताओ उसका नाम क्या सोचा है? पहले उसको आने तो दो। अरे टाइम से पहले प्लानिंग करना भी तो जरूरी होता है ना, है ना? जल्दी बताओ अब क्या सोचा है तुमने, बेटे का नाम क्या रखेंगे? बेटा, अगर बेटी हुई तो? तो क्या हुआ, वो भी तो हमारी औलाद होगी। अच्छा तुम हर बात पे इतनी संजीदा क्यों हो जाती है? दोनों का मिलकर नाम सोच लेते हैं। ओके ओके तुम टेंशन मत लो, डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि तुम्हें खुश रहना है ऐसे, ठीक है? अब तुम सिर्फ खाओ पियो और आराम करो, बाकी सब अल्लाह ताला पे छोड़ दो, क्योंकि हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं होता। चलो अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो। वेरी गुड। Ha ha ha!